नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का, तो जो दूसरा चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं समानता टेस्ट, मतलब कि सिमिलरिटी टेस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा। कोई भी दो समान वर्ड्स हैं उसी के समानांतर दूसरा वर्ड दिया रहेगा, उसी का समानांतर शब्द क्या होगा उसी के बारे में पूछता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे दिन है और दिन का संबंध सूरज से है, सूरज है, दिन में सूरज उगता है। तो इसी तरह यहाँ पे दे देगा आपका चंद्रमा, और यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दे के बोलेगा क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जैसे चांदी, बी हो गया रात, सी हो गया आकाश और डी हो गया आपका प्रकाश। तो इसी में से आपको आंसर देना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिन का संबंध सूरज से, जब सूरज उगता है तो क्या होता है, दिन हो जाता है, या दिन में सूरज दिखता है। तो चंद्रमा से क्या रिलेट करेंगे हम, रात को, चंद्रमा रात में दिखाई देता है, सूरज दिन में दिखाई देता है। या कह सकते हैं जब रात होती है तो चंद्रमा दिखाई देता है, जब दिन होता है तो सूरज दिखाई देता है। तो रात यहाँ आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पहला मान लीजिए, और इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे दिया है किसान, किसान दिया और इसका संबंध दिया है कि फसल, यहाँ लिखा हुआ है किसान का संबंध फसल से दिया है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए बढ़ई जो होते हैं, बढ़ई का संबंध क्या होगा। चार ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवेन में, जैसे पहला ऑप्शन है ए जूता, बी फर्नीचर, सी सी में मान लीजिए चमड़ा दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है कपड़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आंसर के लिए यहाँ पे बताइए। देखिए किसान क्या करता है, फसल उपजाता है, मतलब किसान जो है वो फसल से संबंध रखता है। तो बढ़ई क्या करता है, लकड़ी वाला काम करता है। तो इसमें लकड़ी से कौन सा चीज़ बनता है, तो ये कपड़ा लकड़ी से नहीं होता है, चमड़ा भी नहीं है, जूता भी नहीं है, तो ये फर्नीचर वाला सही होगा। जितना ही फर्नीचर क्या होता है, लकड़ी से बनता है, तो बढ़ई के यहाँ क्या होगा, फर्नीचर हो जाएगा। इस तरह से वर्ड आपसे पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा तो मतलब सारा इसका सिमिलर जो वर्ड है समानता परीक्षण वो समझ जाएंगे। तो यहाँ थर्मामीटर दिया हुआ है, थर्मामीटर को बोल रहा है कि तापमान से रिलेशन है, मतलब थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मेजर करता है, तापमान को मापता है। तो यहाँ डबल सेमी कॉलम दिया हुआ है, बता रहा है कि यहाँ क्या होगा। तो यहाँ पे दो दो वर्ड का रिलेशन दिया हुआ है, इन इन चारों में से कौन सा रिलेशन यहाँ के लिए सटीक है। तो देखिए थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मापता है। तो यहाँ मिलीमीटर क्या है, मापने वाला है, तो यहाँ पैमाना लिखा है, तो पैमाना यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई मिलीमीटर है तो यहाँ कुछ देना चाहिए मापने के लिए, क्या मापेगा मिलीमीटर, तो पैमाना लिखा है गलत हो जाएगा। सौर ऊर्जा, सूरज लिखा हुआ है, सौर ऊर्जा किसको मापता है, सूरज को मापता है, नहीं मापता है, गलत है। घड़ी है, घड़ी समय को मापता है, ये थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो घड़ी क्या करता है, समय बताता है। थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान बताता है, मापना मतलब बताना, थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को बताता है कितना तापमान है, घड़ी क्या करेगा, समय को बताएगा कितना समय हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये सही है। यहाँ देखिए भार है और भार तुला है, भार क्या बताता है, भार तुला के बारे में बताता है क्या, नहीं, ये उल्टा दिया हुआ। अगर ऐसे लिखा रहता भार तुला मतलब तराजू, और यहाँ भार दिया रहता तो यहाँ सही था, कुछ हद तक सही हो सकता था, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, भार भार तुला से है तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ घड़ी होगा, घड़ी समय बताएगा, थर्मामीटर तापमान बताएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आपको देना होगा। चलिए और भी क्वेश्चन हम लगाते हैं अलग प्रकार का, ये नया क्वेश्चन है, इसको देखिए। बोल रहा है कि जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, कार का संबंध किससे है, पेट्रोल से, कार और इसका संबंध किससे है,
पेट्रोल से। उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ, 1, 2, 3, 4। तो कार का संबंध किससे, पेट्रोल से है। तो कार किससे चलता है, यहां पे समझेगा हम, कार पेट्रोल से चलता है। तो उसी तरह टीवी किससे चलेगा, टीवी के लिए भाई हमें क्या चाहिए, विद्युत चाहिए। तो टीवी क्या होगा, विद्युत से चलेगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मनोरंजन गलत है, प्रसारण गलत है, पर्दा गलत है, ये विद्युत होगा, क्योंकि कार का रिलेशन पेट्रोल से, मतलब कार कैसे चलेगा, जब पेट्रोल रहेगा तब चलेगा। तो टीवी का उसी तरह रिलेशन निकालेंगे, टीवी कैसे चलेगा, जब विद्युत रहेगा तब चलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है, श्वसन, फेफड़ा, श्वास, नाक। तो देखिए रक्त है, यहाँ लिख लीजिए, रक्त का संबंध किससे है, हृदय से है। हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। जो रक्त होता है कहाँ जाता है, हृदय में जाता है, और इससे फिर बाहर निकल के हमारे धमनियों में घूमता है, मतलब हृदय में रक्त है। तो वायु कहाँ होता है इसमें, तो श्वसन, श्वसन कोई क्या है, एक क्रिया है, कोई चीज नहीं है। श्वसन को आप देख नहीं सकते, हृदय को आप देख सकते हैं, रक्त को देख सकते हैं, लेकिन श्वसन को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, तो श्वसन नहीं होगा, श्वास भी नहीं होगा। और नाक, नाक भी का संबंध हमारे वायु से कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे समझना चाहिए कि हवा, आखिर हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। रक्त अगर काटेंगे हम अपने नस को तो रक्त आएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो नस है उसमें रक्त है। इसी तरह नाक है, नाक से हम श्वास लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नाक, इसका वायु का कोई रिलेशन नाक से है। लेकिन ये फेफड़ा है यहाँ पे दिया हुआ, तो जो हम श्वास लेते हो कहाँ जाता है, जो हम हवा को अपने अंदर खींचते तो कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से फिर वापस बाहर निकलता है। इसी तरह रक्त कहाँ जाता है, पहले हृदय में जाता है और हृदय से बाहर निकलता है, यहाँ पे फेफड़ा आंसर होगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को, आप खुद से थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए तो आपको इस चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है, आराम से देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको, टीम का संबंध कैप्टन से है, वहीं पार्टी का संबंध किससे है। मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम होता है, उसमें क्या होता है, कैप्टन होता है। तो ये टीम हो गया, टीम में क्या होता है, कैप्टन। तो कैप्टन क्या होता है, एक मुख्य आदमी होता है जो सभी टीम को चलाता है। कैप्टन के अनुसार ये टीम चलता है, विदाउट कैप्टन टीम नहीं चल सकता। उसी तरह पार्टी है, तो पार्टी का मुख्य आदमी कौन सा होता है, पार्टी का मुख्य आदमी अध्यक्ष होता है, जो उस पार्टी का अध्यक्ष है। अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सही होगा, क्योंकि मॉनिटर क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका मॉनिटर बोलते हैं। नेता, किसी पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं तो ये नहीं होगा, जैसे एक टीम के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उसी तरह एक टीम, एक पार्टी में बहुत सारे नेता होते हैं तो गलत होगा। मंत्री, मंत्री कैबिनेट में मंत्री होते हैं, तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष होता है, तो पार्टी का जो अध्यक्ष है वो प्रेसिडेंट बोलते हैं, और टीम का जो कैप्टन है, मुखिया है, उसको कैप्टन बोलते हैं, ये सही होगा। चलिए ये तो हो गया आपका जो समानता परीक्षण था, आप इसे समझ रहे होंगे, इस तरह से बनाना है, सिमिलरिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। अब नया एक चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं, वन मैन आउट इसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट चैप्टर है, आज मैं 2-3 चैप्टर पढ़ा देता हूँ रीजनिंग का, क्योंकि बहुत ईजी जी है, आपको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो CIT से एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वहीं तो एग्जैक्ट आएगा, नहीं जो भी आएगा वो आप अपने मन से करेंगे। तो चलिए इसमें जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने हम बता देते हैं। चलिए इसमें क्या करना है, जो ऑड है उसको बाहर निकालना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए है, मान लीजिए ए में दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी में दिया है आपका बिहार। सी में दिया है आपका कटक। और डी में दिया है आपका असम। अब बोले बोला है कि इन
चारों में सबसे विषम अलग कौन सा है जो ये तीनों चारों से मैच नहीं करता है। देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, असम एक राज्य है, लेकिन कटक क्या है, राजधानी है, और ये राज्य नहीं है, ये एक शहर है, ये शहर का नाम है, ये तीनों राज्य का नाम है, तो कटक आंसर होगा, ये विजाती है, अलग है ये। उसी तरह दूसरा नंबर हम देखते हैं कि ए में दिया है दर्पण, बी में दिया है आपका मेज, सी में दिया है आपका कुर्सी और डी में दिया है आपका स्टूल। तो इसमें पूछेगा आपसे कि इसमें इन चारों में अलग कौन है, इन चारों में अलग कौन है। तो देखिए ये मेज कुर्सी और स्टूल कारपेंटर वाला चीज है, जो कारपेंटर इसको बनाता है या लकड़ी से बनने वाला चीज है, और इसको हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर, ये तीनों को मिलाकर हम लोग ये फर्नीचर का सामान में आता है। लेकिन ये दर्पण होता है ना, ये फर्नीचर में नहीं आता, ये दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में भी लगता है, घरों में रखते हैं, बहुत जगह दर्पण का अलग उपयोग है, इसका अलग उपयोग होता है, ये अलग टाइप का है। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए चार क्वेश्चन दिया हुआ है, घृणा प्रेम क्रोध और रोना, इसमें से पूछ रहा है कि जो अलग है उसको छाटिए। देखिए इसमें घृणा क्या है, घृणा एक टाइप का जो मन दुखी होता है उस समय आता है, क्रोध भी मन को दुखी करता है, रोना भी एक दुखी है, मतलब ये तीनों निगेटिव है, आपको दुखी करेगा। लेकिन प्रेम यहाँ पे है, ये खुशी का प्रतीक है, ये हमेशा प्रेम, जो प्रेम जब होता है, चाहे प्रेम उस चीज को इंडिकेट करता है जहाँ पे खुशी व्यक्त की जाती है, तो यह खुशी से रिलेटेड है, बाकी ये तीनों दुखी से रिलेटेड है, तो प्रेम यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोगों को करना होगा वर्ड में आउट में, तो जो अलग दिखेगा उसको निकाल देना है बाहर। ये तो दो चैप्टर हो गया, अब तीसरा चैप्टर चलिए हम देखते हैं कौन सा है, इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देते हैं फिर से। कहीं कहीं संख्या देता है, जैसे दिया है एक क्वेश्चन देते हैं, ए में दिया है 12, बी में दिया है आपका 25 और सी में दिया है 37 और डी में दिया है आपका 49, और इसमें पूछेगा कि इसमें जो ऑड है उसको बाहर निकालिए। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या है, संख्या बहुत तरह का होता है, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या इत्यादि। देखिए इसमें 12, 25 और 49, इसमें भाग करेंगे तो भाग लग जाएगा, ये कट सकते हैं किसी संख्या से, जैसे ये 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 12, 25 5 से कट सकता है, 49 7 से कट सकता है, लेकिन क्या 37 किसी अंक से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये किसी अंक से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये अलग है, ये रूढ़ संख्या इसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या है ये, सॉरी ये अभाज्य संख्या है, किसी से इसमें भागा नहीं लग सकता है। तो इस तरह से और एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए एक दिया है, ए में एक है, बी में 9 है और सी में 27 है और डी में 64 है। इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा ऑड है, तो आप इसको कैसे फाउंड करेंगे। पहला चीज है कि इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 9 है, इसको 27 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 27 और 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 होगा। लेकिन ऐसा कुछ चीज़ है जो 9 के पावर कुछ करें तो ये 9 हो जाए, तो ये घन नहीं है, ये तीनों क्या है, ये तीनों ए सी और डी घन है, मतलब घन मतलब क्या होता है, किसी संख्या के पावर क्यू इक्वल टू घन बोलते हैं, तो ये तीनों घन है लेकिन 9 किसी संख्या का घन नहीं है, तो इसीलिए ये अलग है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा तो आपको देखना होगा थोड़ा सा, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, वो सीरीज टेस्ट बोलते हैं इसको। देखिए रीजनिंग का कोई अंत नहीं होता है, ठीक ना,
रीजनिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं अनुमानतः कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारा टॉपिक पढ़ा दूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। एक दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, क्लॉक और कैलेंडर। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इससे क्वेश्चन मैंने देखा है। तो कल हो सकता है इसका तीनों का मैं क्लास ले लूँगा आप लोगों का, तीनों एक साथ में ख़त्म कर देंगे। आज जो बचा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या, आज कोशिश करते हैं 2-3 चैप्टर और पढ़ा दें आपको। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। पिछला वीडियो में रीजनिंग में कुछ आंसर मुझे 39 या 82 ऐसा कुछ आ रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लेंगे चैप्टर, उसका नाम है सीरीज टेस्ट। इसके बारे में आप लोगों को हम बात करते हैं। सीरीज टेस्ट होता है मतलब श्रृंखला, सीरीज टेस्ट मतलब श्रृंखला परीक्षण। ये भी आपको पता होगा, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर पे दिया है कि 10, 12, 16 और 22, और नेक्स्ट यहाँ दिया क्या, कौन संख्या होगा बताइए। ऑप्शन आपको दिया है, मान लीजिए जो भी ऑप्शन दिया, ऑप्शन को छोड़िए, यहाँ बताइए कौन संख्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रिलेशन चेक करते हैं किस सीक्वेंस से ये नंबर सीरीज आगे बढ़ रहा है। जैसे 10 और 12 जो लिखा गया है, तो 10 में +2 किए हैं तो 12 आ गया है, और 12 में +4 किए हैं तो 16 आ गया है, और 16 में +6 किए हैं तो 22 आ गया है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2 का पहाड़ा है। देखिए, 2 2 4 2 3 6, अब की बार क्या होगा, 2 4 का 8, मतलब 22 में 8 जोड़ेंगे जो संख्या आएगा वो संख्या रहेगा। तो 22 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है। ये जो भी लिखा गया है वो 2 के सीरीज से लिखा गया, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 30 हो गया आंसर, 30 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा नंबर में, कि यहाँ पर दिया है 10, 5, 15, 10, 20। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो वर्ड होगा, शब्द जो डिजिट होगा, अंक होगा, क्या होगा। तो इसमें देख लीजिए, इसका जो सीरीज बनेगा, 5 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है, ये अगर 10 में से -5 कम करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 5 में 15 में क्या रिलेशन है, +10 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 15 में अगर हम -5 करते हैं तो 10 आ जाएगा, 10 में -10 करते हैं, सॉरी 10 +10 करते हैं तो 20 आ जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक बार माइनस हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है, एक बार +10 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है और एक बार +10 हो रहा है, तो अब की बार क्या होगा, -5 होगा। मतलब 20 में -5 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा क्या, 15 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसे, इस तरह से जो सीरीज टेस्ट होता है ना, इस तरह से बनता है। और आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो इजी वाला है उसको हम ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि CITS में इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इजी है। देखिए, इसका जो सीरीज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 है 15 है 20 है और 20 है, इसके बाद 12 16 है। एक तो 5 का सीरीज है, मतलब 5 दिख रहा है, 5 के रिलेशन, 5 2 10 35 15 5 4 20 ऐसे है, और एक में 4 का दिख रहा है, 4 3 12 6 4 16, 4 5 20। तो चलिए हम रिलेशन निकालते हैं, 10 में +5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में +5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। उसी तरह ऊपर वाले से देखते हैं, 12 में +4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में +4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या करेंगे,
चार वाला था लास्ट में, चार वाला था ना, तो यहाँ से आपकी क्या होगा, पांच वाला स्टार्ट होगा, तो प्लस पांच करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरह से ऐसे भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं, आप समझ लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।